गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमारे वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी की। अभी तक हमने बीएससी पार्ट सेकंड का जो सिलेबस है उसके अंदर जेनेटिक्स के बारे में जाना है, जेनेटिक्स की बहुत सारी चीज़ें जानी, और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स जो है वो अपने यूनिट नंबर 5 में लगती है, 5 यूनिट है, और करीब करीब ये मान लीजिए आप कि आपको ये 10 नंबर दिला सकती है। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 9 नंबर का है एक यूनिट। वो दिक्कत क्या आती है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस प्रैक्टिस के अभाव में हमारे ये नंबर कट जाते हैं और हम थ्योरी की ओर भागते हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चन में हमें करीब करीब समय भी डबल या ट्रिपल देना पड़ता है। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन करने में करीब 15 से 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस यूनिट से अगर आप बड़ा क्वेश्चन करोगे तो 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। बेसिकली स्टैटिक्स का जो इस्तेमाल है वो आंकड़ों के विश्लेषण में किया जाता है, डाटा एनालिसिस में किया जाता है, कि हम किसी भी डाटा टेबल से उसका माध्य निकाल लें, बहुलक निकाल लें, समांतर माध्य निकालें, मध्य का निकाल लें, या कोई और एनालिटिक डाटा या आंकड़ा प्राप्त कर लें। ये एक मैथमेटिकल पोर्शन है। यहाँ पर बायो वर्ड जो है वो बाद में लगाया गया, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स मैथ्स में बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन रहा है शुरू से ही, और इसी स्टैटिक्स का इस्तेमाल मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को समझाने में भी किया था। आप सभी जानते भी हैं, मैंने पढ़ाया भी था आपको। लेकिन स्टैटिक्स में यदि बायोलॉजी का रोल हो जाए, मतलब बायोलॉजिकल आंकड़ों को अगर हम समझाएं, तो हम इसको बायोस्टैटिक्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों से संबंधित विभिन्न अंकात्मक सूचनाओं के संख्यात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, वो बायोस्टैटिक्स है। बायोलॉजिकल इट मीन्स बायोलॉजिकल डाटा। हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर 3 मेन पॉइंट रहेंगे। मैं आपको बता दूं, हम बात करेंगे मीन, मॉड और मीडियन। ये आप तीनों, ये तो अपने बेसिक है, इसके अलावा 2-3 पॉइंट और भी है, वो हम बाद में बात करेंगे। मीन, मॉड एंड मीडियन ये हमारे सिलेबस का इम्पोर्टेंट भाग है। इसका मतलब है माध्य, समांतर माध्य। ये मॉड है बहुलक, और ये मध्य का है सेंटर पॉइंट, मध्य का। इन तीनों ही कैटेगरी की अगर हम बात करें, तीनों के अंदर हम बात करेंगे, तो आप देखो समरी के रूप में मैं समझा रहा हूँ आपको, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कि बेसिकली यहाँ पर आपको दो मेथड देखने को मिलेगी। एक मेथड देखने को मिलेगी प्रत्यक्ष, डायरेक्ट विधि, और दूसरी मिलेगी आपको लघु विधि, अप्रत्यक्ष नहीं, लघु विधि। ये प्रत्येक में ही है, ये आप अभी से दिमाग में डाल लीजिए, लघु विधि। इसको हम डायरेक्ट कहेंगे और इसे हम शॉर्टकट कहेंगे। हर टेबल में, मतलब हर पार्ट में, जैसे मध्य का की बात, माध्य की बात करेंगे तो भी दो मेथड है, बहुलक की बात करेंगे तो भी दो मेथड है, और मध्यका की बात करेंगे तो भी दो मेथड है। इट मीन्स आपको डबल फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे सभी के। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको जो दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो है वो आपको दो श्रेणियों में मिल सकते हैं, बल्कि 3 श्रेणियों में, सभी के लिए लागू है, आप इसको कॉमन मानेंगे। सबसे पहले आएगी खंडित श्रेणी, सॉरी व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। पहली जो कैटेगरी है क्वेश्चन की, चाहे वो माध्य हो, चाहे वो बहुलक हो, और चाहे वो मध्य का हो, आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे मिला कि दिए गए आंकड़ों से आप माध्य ज्ञात कियो, तो आपको वहाँ पर पहला जो तरीका अपनाना है वो निकालना है व्यक्तिगत, दूसरा खंडित,
और तीसरा जो तरीका आपको निकालना है वो है सतत। ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल, एक। यदि आपको एकल व्यक्ति या यूनिट का आंकड़ा दिया गया हो तो उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहेंगे। जैसे राकेश की ऊंचाई 5.5 फुट है, आपको ऐसा दे दिया, तो वहाँ पर इंडिविजुअल राकेश हो गया और एक ही बात हो रही है, एक ही व्यक्ति, एक ही डाटा, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे, ऐसी सीरीज क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी। खंडित श्रेणी में किसी समूह की बात की जाती, ग्रुप की बात की जाती है, जहाँ समूह की बात आए वहाँ खंडित श्रेणी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास के स्टूडेंट की ऊंचाई क्या है, तो यहाँ पर समूह क्या हो गया, क्लास हो गया, वहाँ पर आपको स्टूडेंट की ऊंचाई पूछ ली। अब आपको वो किस रूप में पूछिए, माध्य के रूप में पूछिए, बहुलक के, वो अलग मैटर है। और तीसरी है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी जो होती है वो एक सीरीज होती है, श्रृंखला जिसको बोलते हैं, सीरीज। जैसे अब आप पूछ रहे हैं कि क्लास में 10 से लेकर 20 अंक वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको क्या दे दी, रेंज दे दी। जहाँ पर रेंज की बात करेंगे वहाँ पर हम सतत श्रेणी का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ एक व्यक्ति की बात करेंगे वहाँ पर हम व्यक्तिगत श्रेणी का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ खंडित मतलब एक समूह की बात करेंगे खंडित श्रेणी की बात करेंगे। तो तीन कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी में आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन दे दिया आपको कि किसी दिए गए सीरीज का व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य ज्ञात करो, तो उसमें दो मेथड है, वो जो मैंने बताई। एक तो है प्रत्यक्ष, हरेक में प्रत्यक्ष है, और लघु है, सभी में ये मेथड लागू होगी, प्रत्यक्ष, लघु, प्रत्यक्ष और लघु। तो देखिए कितने कितने फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूले वाइज अगर बात करें तो माध्य की सपोज दैट बात करें तो माध्य में एक क्वेश्चन को आपको व्यक्तिगत में पूछा जा सकता है, खंडित में और सतत में, तो तीन तो ये होगी। और फिर व्यक्तिगत में भी आपको दो से पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष और लघु, तो तीन तो ये और एक में दो ये, तो इसका मतलब यह आपको एक ही कैटेगरी में 6 प्रकार से क्वेश्चनों को हल करवाना या करवाया जा सकता है। तो ये पैटर्न आप याद रखेंगे, इस पैटर्न से आप बिल्कुल आसानी से किसी भी क्वेश्चन का हल निकाल सकेंगे। सांख्यिकी की अच्छी बात क्या है, सांख्यिकी की अच्छी बात यह है कि किसी भी सीरीज में अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सपोज दैट कि फला क्वेश्चन का व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य निकालें, तो उसका आंसर प्रत्यक्ष में भी समान आएगा, लघु में भी समान आएगा, मतलब आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि आंसर में कोई चेंज आता है तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझ जाइए कि आपने कोई त्रुटि की है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आज मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इस विषय में दे दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिक्स के बारे में, तो स्टैटिक्स के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें की और जानकारी देने का प्रयास किया। हम अपने वीडियोस में आने वाले जो वीडियो हैं स्टैटिक्स के, उनके अंदर सबसे पहले समांतर माध्यम माध्य की बात करेंगे, उसके बाद में हम बहुलक की बात करेंगे, उसके बाद में मध्यिका की बात करेंगे, और उसके बाद में जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जहाँ तक हम सिंबल वाइज मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करते हैं, वहाँ पर माध्य का मतलब होता है औसत। जहाँ भी औसत की बात होगी वहाँ हम माध्य का इस्तेमाल करेंगे। तो औसत और माध्य एक है, इसको आप औसत भी कह सकते हो। बहुलक आप बेसिकली जानते हो कि किसी भी श्रेणी में वो अंक जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो उसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक फैशन से रिलेटेड वर्ड है, जिस प्रकार से किसी भी एक समूह में कोई ट्रेंड बन जाता है
उस ट्रेंड को हम बहुलक कहेंगे। और तीसरी बात करेंगे हम मध्यिका की। मध्यिका मतलब होता है सेंटर पॉइंट, और वो सेंटर पॉइंट किस रूप में डिसाइड हो वो हमारी बात है। जैसे कि हम एक रो बनाते हैं कि सबसे सेंटर में जो है सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर इधर भी छोटा छोटा छोटा, तो ये जो है वो उसका मीडियन पॉइंट बन जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ये जाना है कि बायोस्टैटिक्स में हमारे सिलेबस में किस कैटेगरी के कौन कौन से पॉइंट हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्यिका की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बेसिक पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमारे वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी की। अभी तक हमने बीएससी पार्ट सेकंड का जो सिलेबस है उसके अंदर जेनेटिक्स के बारे में जाना है, जेनेटिक्स की बहुत सारी चीज़ें जानी, और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स जो है वो अपने यूनिट नंबर 5 में लगती है, 5 यूनिट है, और करीब करीब ये मान लीजिए आप कि आपको ये 10 नंबर ला सकती है। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 9 नंबर का है एक यूनिट। वो दिक्कत क्या आती है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस प्रैक्टिस के अभाव में हमारे ये नंबर कट जाते हैं और हम थ्योरी की ओर भागते हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चन में हमें करीब करीब समय भी डबल या ट्रिपल देना पड़ता है। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन करने में करीब 15 से 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस यूनिट से अगर आप बड़ा क्वेश्चन करोगे तो 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। बेसिकली स्टैटिक्स का जो इस्तेमाल है वो आंकड़ों के विश्लेषण में किया जाता है, डाटा एनालिसिस में किया जाता है, कि हम किसी भी डाटा टेबल से उसका माध्य निकाल लें, बहुलक निकाल लें, समांतर माध्य निकालें, मध्यिका निकाल लें, या कोई और एनालिटिक डाटा या आंकड़ा प्राप्त कर लें। ये एक मैथमेटिकल पोर्शन है। यहाँ पर बायो वर्ड जो है वो बाद में लगाया गया, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स मैथ्स में बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन रहा है शुरू से ही, और इसी स्टैटिक्स का इस्तेमाल मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को समझाने में भी किया था। आप सभी जानते भी हैं, मैंने पढ़ाया भी था आपको। लेकिन स्टैटिक्स में यदि बायोलॉजी का रोल हो जाए, मतलब बायोलॉजिकल आंकड़ों को अगर हम समझाएं, तो हम इसको बायोस्टैटिक्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों से संबंधित विभिन्न अंकात्मक सूचनाओं के संख्यात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, वो बायोस्टैटिक्स है। बायोलॉजिकल इट मीन्स बायोलॉजिकल डाटा। हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर 3 मेन पॉइंट रहेंगे, मैं आपको बता दूं। हम बात करेंगे मीन, मॉड और मीडियन। ये आप तीनों, ये तो अपने बेसिक है, इसके अलावा 2-3 पॉइंट और भी है, वो हम बाद में बात करेंगे। मीन, मॉड एंड मीडियन ये हमारे सिलेबस का इम्पोर्टेंट भाग है। इसका मतलब है माध्य, समांतर माध्य। ये मॉड है बहुलक, और ये मध्यिका है सेंटर पॉइंट, मध्यिका। इन तीनों ही कैटेगरी की अगर हम बात करें, तीनों के अंदर हम बात करेंगे, तो आप देखो समरी के रूप में मैं समझा रहा हूँ आपको, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कि बेसिकली यहाँ पर आपको दो मेथड देखने को मिलेगी। एक मेथड देखने को मिलेगी प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि, और दूसरी मिलेगी आपको लघु विधि, अप्रत्यक्ष नहीं लघु विधि। ये प्रत्येक में ही है, ये आप अभी से दिमाग में डाल लीजिए। लघु विधि इसको हम डायरेक्ट कहेंगे और इसे हम शॉर्टकट कहेंगे। हर टेबल में, मतलब हर पार्ट में, जैसे मध्यिका की बात करेंगे तो भी दो मेथड है,
बहुलक की बात करेंगे तो भी दो मेथड है, और मध्यगा की बात करेंगे तो भी दो मेथड है। इट मीन्स आपको डबल फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे सभी के। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको जो दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो है वो आपको दो श्रेणियों में सीखते हैं, बल्कि तीन श्रेणियों में, सभी के लिए लागू है, आप इसको कॉमन मानेंगे। सबसे पहले आएगी खंडित श्रेणी, सॉरी व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। पहली जो कैटेगरी है क्वेश्चन की, चाहे वो माध्य हो, चाहे वो बहुलक हो, और चाहे वो मध्यका हो, आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे मिला कि दिए गए आंकड़ों से आप माध्य ज्ञात किए, तो आपको वहाँ पर पहला जो तरीका अपनाना है वो निकालना है व्यक्तिगत, दूसरा खंडित, और तीसरा जो तरीका आपको निकालना है वो है सतत। ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल, एक। यदि आपको एकल व्यक्ति या यूनिट का आंकड़ा दिया गया हो तो उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहेंगे। जैसे राकेश की ऊंचाई 5.5 फुट है, आपको ऐसा दे दिया, तो वहां पर इंडिविजुअल राकेश हो गया, और एक ही बात हो रही है, एक ही व्यक्ति, एक ही डाटा, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे, ऐसी सीरीज क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी। खंडित श्रेणी में किसी समूह की बात की जाती, ग्रुप की बात की जाती है, जहां समूह की बात आए वहां खंडित श्रेणी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास के स्टूडेंट की ऊंचाई क्या है, तो यहाँ पर समूह क्या हो गया, एक क्लास हो गया, वहाँ पर आपको स्टूडेंट की ऊंचाई पूछ ली। अब आपको वो किस रूप में पूछिए, माध्य के रूप में पूछिए, बहुलक के, वो अलग मैटर है। और तीसरी है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी जो होती है वो एक सीरीज होती है, श्रृंखला जिसको बोलते हैं, सीरीज। जैसे अब आप पूछ रहे कि क्लास में 10 से लेकर 20 अंक वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको क्या दे दी, रेंज दे दी। जहाँ पर रेंज की बात करेंगे वहाँ पर हम सतत श्रेणी का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ एक व्यक्ति की बात करेंगे वहाँ पर हम व्यक्तिगत श्रेणी का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ खंडित मतलब एक समूह की बात करेंगे खंडित श्रेणी की बात करेंगे। तो तीन कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी में आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन दे दिया आपको कि किसी दिए गए सीरीज का व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य ज्ञात करो, तो उसमें दो मेथड है वो जो मैंने बताई। एक तो है प्रत्यक्ष, हरेक में प्रत्यक्ष है, और लघु है, सभी में ये मेथड लागू होगी, प्रत्यक्ष लघु, प्रत्यक्ष और लघु। तो देखिए कितने फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले वाइज अगर बात करें तो माध्य की जैसे सपोजिट बात करें तो माध्य में एक क्वेश्चन को आपको व्यक्तिगत में पूछा जा सकता है, खंडित में और सतत में, तो तीन तो ये होगी, और फिर व्यक्तिगत में भी आपको दो से पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष और लघु, तो तीन तो ये और एक में दो ये, तो इसका मतलब हो गया आपको एक ही कैटेगरी में 6 प्रकार से क्वेश्चनों को हल करवाना या करवाया जा सकता है। तो ये पैटर्न आप याद रखेंगे, इस पैटर्न से आप बिल्कुल आसानी से किसी भी क्वेश्चन का हल निकाल सकेंगे। सांख्यिकी की अच्छी बात क्या है, सांख्यिकी की अच्छी बात यह है कि किसी भी सीरीज में अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सपोज दैट कि फला क्वेश्चन का व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य निकालें, तो उसका आंसर प्रत्यक्ष में भी समान आएगा, लघु में भी समान आएगा, मतलब आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि आंसर में कोई चेंज आता है तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझ जाइए कि आपने कोई त्रुटि की है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आज मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इस विषय में दे दिया है।
सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिक्स के बारे में, तो स्टैटिक्स के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें की और जानकारी देने का प्रयास किया। हम अपने वीडियोज़ में आने वाले जो वीडियो हैं स्टैटिक्स के, उनके अंदर सबसे पहले समांतर माध्यम माध्य की बात करेंगे, उसके बाद में हम बहुलक की बात करेंगे, उसके बाद में मध्यगय की बात करेंगे, और उसके बाद में जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जहाँ तक हम सिंबल वाइज मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करते हैं, वहाँ पर मध्य का मतलब होता है औसत। जहाँ भी औसत की बात होगी वहाँ हम मध्य का इस्तेमाल करेंगे। तो औसत और मध्य एक है, इसको आप औसत भी कह सकते हो। बहुलक आप बेसिकली जानते हो कि किसी भी श्रेणी में वो अंक जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो उसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक फैशन से रिलेटेड वर्ड है। जिस प्रकार से किसी भी एक समूह में कोई ट्रेंड बन जाता है उस ट्रेंड को हम बहुलक कहेंगे। और तीसरी बात करेंगे हम मध्यिका की। मध्यिका मतलब होता है सेंटर पॉइंट। अब वो सेंटर पॉइंट किस रूप में डिसाइड हो वो हमारी बात है। जैसे कि हम एक रो बनाते हैं कि सबसे सेंटर में जो है सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर इधर भी छोटा छोटा छोटा, तो ये जो है वो उसका मीडियन पॉइंट बन जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ये जाना है कि बायोस्टैटिक्स में हमारे सिलेबस में किस कैटेगरी के कौन कौन से पॉइंट हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्यिका की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।